अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान। आज हम बात करेंगे चर्म रोगों की दवाई और पेट रोगों की दवाई इत्रिफल शाहतरा के बारे में आपको जानकारी देंगे। इत्रिफल यानी इत्रिफल जितने भी बनाए जाते हैं यूनानी पद्धति में उनके अंदर त्रिफला का इस्तेमाल होता है, इसलिए त्रिफला के आधार पर उसके उससे मिलता जुलता नाम इसको इत्रिफल कहा जाता है। जिसमें जितने भी बनाए जाते हैं जो इत्रिफल, तो उसमें जो है त्रिफला होता है। उसके अलावा शाहतरा जो है पित्त पापड़ा या पित्त पापरा जिसको बोलते हैं, तो शाहतरा इसका मेन जूझ है, जूझे खास है, मेन कंटेंट है, तो इसलिए इस माजून का नाम इत्रिफल शाहतरा रखा गया है। बात करेंगे सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में। और यह है इत्रिफल शाहतरा, आप देख सकते हैं हमदर्द का मेरे पास में है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूनानी का, जो अच्छी कंपनी हो यूनानी की उसका ले सकते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करता हूं तो शाहतरा जैसे मैंने बताया इसके अंदर है सनाई की पत्तियां, गुलाब के फूल, मुनक्का, हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी त्रिफला, तीनों चीजों को हरड़, बहेड़ा, आंवला इन्हें त्रिफला कहा जाता है और मिश्री से इसे बनाया जाता है। किमाम बनाने के लिए मुनक्का को पहले रात में भिगोया जाता है, फिर उसको गर्म उबाला जाता है, उबालने के बाद में उसके बीज अलग किए जाते हैं और उसका जो है वो किमाम तैयार किया जाता है। जो उबलने के बाद जो पानी होता है वो सब पूरा एकदम उसके अंदर, फिर जड़ी बूटियों को पीस कर कूट कर फिर उसके अंदर मिक्स किया जाता है, तो इस तरह से इत्रिफल शाहतरा तैयार किया जाता है। ये इसकी तैयार करने की एक विधि है। बात करेंगे इत्रिफल शाहतरा के फायदे के बारे में। अगर मैं बात करूंगा तो इत्रिफल शाहतरा ब्लड प्योरीफायर का काम की तरह काम करता है, खून में जमा गंदगी को साफ करता है, फसादे खून को ये ठीक करता है। खून की जो गंदगी होती है जब वो साफ होती है तो खुजली, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, इसके अलावा सोराइसिस जैसी स्किन की खतरनाक और जिद्दी बीमारी, जिन लोगों को सोराइसिस है वो बहुत ही खतरनाक और जिद्दी बीमारी है, वो सालों साल नहीं जाती है, इस तरह की बीमारी, तो उस तरह की बीमारियों में भी दूसरी जो सहायक दवाइयां हैं उनके साथ में इसे इस्तेमाल किया जाता है। पित्त रोगों के लिए एक बेहतरीन और मुफीद दवाई इसे माना जाता है। जिन लोगों को शीत पित्त की शिकायत है, पित्ती की शिकायत है, जो है स्किन पर लाल लाल या सफेद रंग के चकत्ते हो जाते हैं, जहां पर भी खुजली होती है, पहले खुजली होती है शरीर में, बहुत तेज खुजली होती है, जहां पर भी खुजलाते हैं तो वहीं पर वो पूरा एक जैसे लाल लाल पूरी स्किन हो जाती है, वहां से ऊपर एक जो है फफोला सा बन जाता है, तो वो शीत पित्त की स्थिति हो जाती है, तो उसमें भी इसे बहुत ही मुफीद माना जाता है। पीलिया और पुराने बुखार में भी इसे फायदेमंद माना जाता है। त्रिफला होने के कारण पेट रोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और मुफीद दवाई साबित होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज है सनाई की पत्तियां। सनाई की पत्तियों का काम यह है कि पेट को साफ करती है, यानी कब्ज को सहायक, कब्ज को तोड़ती है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, अक्सर जो है लोगों को कब्ज रहने की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, उसमें दाद, खाज, खुजली भी एक बीमारी है जो कब्ज रहने की वजह से ही होती है ज्यादातर। तो शरीर की गर्मी, जिन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा है, हीटिंग होती है और कई तरह की दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी एक मुफीद दवाई साबित होती है। इसके अलावा चेहरे पर जिन लोगों के झाइयां होती हैं तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ काम है जो मैंने बताए। बात करेंगे इसको इस्तेमाल के बारे में। तरीका के इस्तेमाल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो 5 से 10 ग्राम के बीच में, यानी 7 ग्राम, 8 ग्राम तक या 10 ग्राम तक भी आप इसे लिया जा सकता है। बच्चों में जब 5 ग्राम या जो छोटे बच्चे हैं तो 3 ग्राम तक भी इसे दिया जाता है। तो इस तरह इसकी डोज होती है, ताजे पानी के साथ में खाना खाने के बाद में इसे इस्तेमाल कराया जाता है। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 125 ग्राम का मेरे पास में है और 40 रुपए में आपको मार्केट में मिलेगा, बाकी कंपनियों का कम या ज्यादा हो सकता है। हमदर्द का मेरे पास में है जो मैं इसका रेट बता रहा हूँ। तो तरीका इस्तेमाल आपने जान लिया और इसके फायदे दोस्तों जाना आपने इत्रिफल शाहतरा के बारे में। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने हमारे चैनल यूनानी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सुझाव हमसे लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी दवाई या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं जिस टॉपिक पर पहले से चैनल पर वीडियो नहीं, आप कमेंट कीजिए, हम जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।